हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एक कुर्ती की कटिंग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग है। ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, तो पहले इसको उल्टा करके बिछा लेते हैं इस तरीके से। जितना हमको ज़रूरत है कपड़े की उतना हम बिछा लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम बचा लेंगे। पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 38 इंच है, 3 इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्डिंग के लिए। अब ऊपर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 16 है, तो हम 8 इंची के निशान लगाएंगे। इसको सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 पे। इसको सीधा कर लेंगे, चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब जो तीरा है 8 इंची, उसको हम नीचे 1 इंची हम कम करके ऐसे एक निशान लगाएंगे। अब इसको भी सीधा कर लेंगे। ऊपर से 1/2 इंची का हम डाउन करते हुए ऐसे निशान लगाएंगे। अब सीने का निशान लगाएंगे। ये हमारा 38 इंच का है, तो 9.5 पे हम निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाएंगे 7 इंची पर। 8.5 पे हम कमर का निशान लगा लेंगे। चाक का निशान लगाएंगे 12.5 पर। और हिप साइज़ है हमारा 40, तो 40 का चौथा 10 आएगा। अब इस तरीके से इन निशानों को मिला लेंगे। दो इंची का हम मार्जिन रखेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 1 इंची पर। अब इसकी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप कटिंग करोगे कुर्ती की तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब सीधा एक निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे निशान पर। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। ये हमारा फ्रंट है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को बिछा लेते हैं अच्छे से फोल्ड करके। ये हमने कपड़ा बिछा लिया। अब हम फ्रंट पार्ट को ही रखकर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। एकदम बराबर रखते हुए फ्रंट पार्ट में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। बस आर्म होल की कटिंग में अलग है, बढ़ाना होता है आर्म होल को। अब बैक वाले पार्ट को हम 1/2 इंची आर्म होल को बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की भी।
बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम कट लगा लेंगे हिप पर और कमर पर। ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो पहले हम आर्म होल को इस तरीके से नाप लेते हैं। ये हमारा 7 इंची आ रहा है। ये हमारी स्लीव के लिए हमने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है। अब इसको इस तरीके से रख के हमको लंबाई में ही स्लीव निकालनी है, आड़े में नहीं निकालनी है। तो इसमें जॉइंट आएगा, तो इस तरीके से जॉइंट लगा लेंगे हम इसमें इस तरीके से। ये दोनों बाजू हम एक साथ ही कट कर रहे हैं, बाजू की लंबाई का निशान लगा लेंगे। पहले कपड़े को नीचे से सीधा कर लेंगे। लंबाई हमारी 17 इंच है, हमने 2 इंची एक्स्ट्रा ले लिया है। अब 3 इंची पर हम एक ऊपर से निशान लगाएंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब जो हमारा आर्म होल का आ रहा था 7, तो हम यहाँ पे 1/2 इंची बढ़ा कर रखेंगे। 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से बाजू की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। 2 इंची पर हम एक निशान लगाएंगे। अब बाजू का हम शेप दे देंगे इस तरीके से। 2 इंची पर से इस तरीके से शेप दे दिया है हमने बाजू का। मोहरी हमारी 9 है, तो 4.5 पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस निशान को मिला देंगे। अब बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है स्लीव को कट करने का, और कुर्ती की बहुत आसान तरीके से कटिंग है। इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब हम आगे की गहराई का निशान लगाएंगे। इसको हम ये जॉइंट को जोड़ने के बाद भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अच्छे से लगना चाहिए ये। आगे की गहराई हमने दे दी, हमारी स्लीव कट हो गई है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।